ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਥੈਂਕਸ ਮਾਦੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰਸ ਮਾ ਧਮ ਪਦ 115 ਨੰਬਰ ਮੇ ਜੋ ਟੀਮ 22 ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਢੇੜ ਢੇੜਾ ਜਾਂ ਢੇੜੀ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਮੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਢੇੜ ढेड़ा ढेड़ी बहुत बोला जाता है। दरअसल थेर थेरा थेरी। उसी वीडियो पर एक कमेंट में लाइफ चैलेंजिंग मोटिवेशनल नाम से कमेंट आया, कहते हैं कि यह जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके घर पर एक रीति रिवाज चलता है, भाने भर बोलते हैं, पूरा परिवार खीर बनाता है, खीर को पीपल के पत्तों के नीचे रखते हैं, पत्तों के ऊपर खीर डाली जाती है, सारा परिवार इसको बैठकर खाता है पीपल के पेड़ के नीचे। अब मुझे समझ में आया है कि ये सारा गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसी कमेंट को मैंने पोस्ट में बदला अपने फेसबुक पर और लिखा, कोई है जिसके घर पीपल के पत्तों पर खीर रखकर पीपल के पेड़ की पूजा होती हो? कई कमेंट उसमें बाद में आए और कई लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर शनिवार को पूजा अर्चना होती है। शनिवार मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में, शनिवार दरअसल सह से आता है, संसार वाले सह से। शनिवार का मतलब होता है मिलने मिलाने का दिन, पुराना बुद्ध के समय का है। एक कमेंट में कहते हैं, बिहार के अंदर खीर पर पूजा होती है, वहां खीर का पर्व होता है। एक कमेंट में कहते हैं, राजस्थान के अंदर जो मुहूर्त होता है यानी कि शुभ आरंभ जो होता है मुख्य दरवाजे पर या किसी का स्वागत, तो पीपल के पत्तों की झाली लगाई जाती है और मालकिन और मालिक भी दोनों सर पर पीपल के पत्ते बांधते हैं। कुशवाहा जी कहते हैं, पुष्पेंद्र खीर बनती देखी है बैसाख के महीने में, कुमार अश्वनी कार्तिक महीने दोनों नवरात्र अष्टमी के दिन दो बार, मगर पीपल के पत्ते पर खीर नहीं रखते, महुआ के पत्ते पर खीर रखकर पूजा की जाती है। घर आंगन में सुबह हमारे दादा जी पीपल के पौधे पर पानी डालते हैं। पिताजी और माताजी आज भी परंपरा निभाते हैं, इस बारे में मुझे और जानकारी हो तो बताइए। मनोज कुमार बारूपाल कहते हैं, हमारे क्षेत्र में वैसाख महीने में एक महीने पूरे पीपल की पूजा पानी देकर की जाती है। अब समझ में आने लगा है कि वैसाख महीने में सुबह नहाकर पानी क्यों देते हैं, क्यों वैसाख के महीने में पीपल की पानी डाल के पूजा होती है। इंद्रराज मौर्य जी कहते हैं, खीर पूड़ी जिसे रोट कहा जाता है, अनगिनत बार माँ के साथ पीपल के पेड़ पर चढ़ाने जाता था बचपन में। उस पवन वृक्ष को लोग भवानी बरा कहते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पीपल के पेड़ पर भूत बताया जाता है। मैं जब छोटा था तो हमारे खेतों के बीच में एक रहट हुआ करती थी, उस पे एक पीपल का पेड़ था हजारों साल पुराना और वो बहुत बड़ा पेड़ था, वो हमें बहुत आकर्षित करता था। कहानी जैसी बच्चों में चलती है, कहते हैं पीपल के पेड़ पे भूत है, वहाँ रात को नहीं जाना। छोटे थे हम, भूत का मतलब समझते नहीं थे। अपने पिताजी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा, भूत का मतलब है जो बीत गया है, जो चला गया है उसको भूत बोलते हैं। पीपल के पेड़ से जो बुद्ध थे वो चले गए हैं, तो चले गए बुद्ध को भूत बोलते हैं, इसलिए इस पे भूत जुड़ा हुआ शब्द है।
जैसा पिक्चरों में, नाटकों में, कहानियों में, एपिसोड में, या जो कुछ लोग डरावनी कहानी सुनाते हैं या बनाते हैं, वैसा कोई भूत नहीं होता। भूत का मतलब होता है पास्ट, बीता हुआ, यानी जो जा चुका है। तो चूंकि बुद्ध वहां जा चुके हैं, बोधि प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उसको भूत बोलते हैं कि ये भूत वाला पीपल है, यानी कि यहां बीत चुका है बुद्ध के आने का समय। पीपल आज भी जगह जगह आपको मिलेगा, लोग उसको जो भगवा कलर का धागा है उसको बांधते हैं। भगवा जो धागा है वो भग्नवान बुद्ध के जो कपड़े हैं, क्योंकि भग्नवान बुद्ध ने सबसे पहले इस पीले कलर को या भगवा कलर को एडॉप्ट किया, उन्होंने इसको ग्रहण किया और सभी भिक्कुओं के लिए भी यही कलर बनाया। ये नेचुरल होता था, दरअसल ये बड़ा बेकार सा रंग होता था, आजकल तो बड़ा आकर्षक होता है, मिट्टी जैसे रंग का। तो ऐसे ही रंग के धागे उस पीपल के पेड़ पे चारों तरफ बंधे हुए मिलते हैं। लोग वहाँ आज भी अपनी मान्यता के हिसाब से कोई पानी देता है, कोई वहाँ खीर रखता है, कोई वहाँ पूड़ी रखता है। एक बात और समझ लें, भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के समय या उससे पहले, जो आज हम खीर बोलते हैं, जिसको मिल्क और राइस, यानी कि जिसको हम दूध बोलते हैं और चावल के साथ मिला के मीठे या चीनी डालते हैं, इसको खीर नहीं बोलते। खीर का मतलब उस समय होता था मिल्क, यानी जिसको आज हम दूध बोलते हैं उसको खीर बोलते थे। तो दूध और खीर एक ही बात है, और जो क्षीर सागर है, क्षीर संस्कृत भाषा में खीर को बोला जाता है, यानी मिल्क को खीर बोलते थे और संस्कृत भाषा में इसको क्षीर किया गया। तो जो सागर होता है उसमें जब लहर उठती है तो वहाँ बड़े सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसे झाग बनते हैं, उसका रंग सफ़ेद हो जाता है किनारों पे, तो उसको दूध का सागर यानी खीर सागर, और संस्कृत भाषा में आधे के और खे को छ बोलते हैं, तो क्षीर सागर इसको बोला गया। तो खीर जो शब्द है या जो शब्द है वो पाली में नहीं है, आज के समय का चावल दूध वाला, इसको पिंड बोला करते थे, मधु पिंड, यानी कि गोला, मधु माने जो शहद होता है उसके हिसाब से बनाया गया। चावल को उबालकर उसमें खीर डालकर, खीर मतलब मिल्क डालकर, और मीठे करने के लिए उसमें मधु डालकर उसका एक पिंड बनाया जाता था, उसको पिंडपात, वो बढ़िया भोजन में आता था, बहुत अच्छे, आज के समय कह सकते हैं कि 5-स्टार होटल के भोजन की तरह बहुत बढ़िया आलिशान भोजन में वो माना जाता था, उसको पिंड बोला करते थे। पिंडपात का मतलब है भोजन का पात करना। तो जब भी आप ऐसी कोई कहानी सुने जिस कहानी में पीपल है, पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ है, या पेड़ के ऊपर कोई भूत है, कोई खीर है, दूध बोलते हैं खीर को, या आज के समय में आप चावल और दूध से मिश्रित पदार्थ को बोल सकते हैं, क्योंकि आज खीर उसको बोला जाता है, या पूड़ी है, या पूजा है, या पाठ है, या वहाँ पर तीन पत्थर रखे हुए हैं, या तीन ढेरियाँ हैं, या तीन कंकड़ हैं, या तीन लाइन हैं, जैसी माथे पे तीन लाइन होती हैं, या ऐसी तीन लाइन हैं, या कोई लाल रंग का कोई वहाँ पर बिंदु है, इसको पहिया का, प्रज्ञा का, विजडम का बिंदु बोलते हैं, या लाल रंग का वहाँ कोई बिंदु है या निशान है, या वहाँ कोई गोला चक्र बना हुआ है, या उस जो रुख है, रुख बोलते हैं पाली में वृक्ष को, जो पीपल का रुख है या पीपल का वृक्ष है या पीपल ट्री है, उसको चारों तरफ से गोलाकार उसकी परिक्रमा की जा रही है। परिक्रमा का मतलब है जैसे बुद्ध की, जो बुद्ध के शिष्य होते थे वो कोई सवाल पूछने के बाद में जब जाते थे तो बुद्ध के सामने से नहीं जाते थे, बुद्ध के बराबर से उनको नमन करते हुए निकल जाते थे, पीछे से होते हुए गोल चक्र काटते हुए। तो कोई ऐसी परिक्रमा है, या धागा बांधने की प्रक्रिया है, या कहीं हाथ के छाप लगे हुए हैं, 5 सील के, 5 हाथों के छाप, या 10 पारमिता के, 10 उंगलियों की छाप, या कहीं 8 का निशान बना हुआ है चक्र में, 8 शील का मार्ग ये, या कहीं कमल का फूल किसी ने उसमें रखा हुआ है, या कोई शंख रखा हुआ है,
ये जितने भी चिन्ह हैं, या कोई स्तूप है, कोई मिट्टी का या पत्थर का कोई थूप या स्तूप टाइप का कोई वहाँ डाला गया है, ये सारे के सारे चिन्ह जितने भी हैं, अगर आपकी मेमोरी में इनसे संबंधित कोई चीज़ आती है और आपको लगता है कि बचपन में आपने कोई चीज़ इससे संबंधित या और भी कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे इस समय जहन में नहीं आ रही है और आप उसको समझ रहे हैं, तो आप इसके कमेंट में लिखें। दरअसल भारत में सारी की सारी जो पीपल का पेड़ या दूध या खीर आज के समय में, या पीपल के पत्ते या धागा बांधने का, या लाल रंग का बिंदु, या तीन लाइनें, या बीच में गोल गोल प्रज्ञा का नेत्र, या कोई शंख, या कोई तीन लाइनें या तीन धातु की बनी हुई चीज़ें, तीन सूत्र जैसी, त्रिशूल जैसी अगर कोई हैं, तो वो सारी की सारी बुद्ध से संबंधित परंपराएं हैं जो अपना असली अर्थ खो चुकी हैं, लोग भूल चुके हैं, मगर चिन्ह में, साइंस में या लिंग में, लिंग मतलब पाली में चिन्ह को बोलते हैं, या आकृति के अंदर, या किसी कलाकृति के अंदर, या परंपरा के अंदर वो अभी भी जीवित हैं, अभी भी चल रही हैं। लोग उसको मानते हैं मगर लोगों को ये पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ की और उसकी पत्तियों की जो मान्यता है भारत में, अगर कहीं भी आपको मिलती है तो इसका मतलब वो लोग या उसके आसपास के जो लोग हैं वो बुद्ध के जानकार, बुद्ध की फिलॉसफी के मानने वाले, बुद्ध की फिलॉसफी से अपने आप को लाभान्वित करने वाले, लाभ प्राप्त करने वाले लोग रहे हैं, वो धम्मिक लोग रहे हैं जो बुद्ध के सिद्धांतों से, जिन्होंने धम्म का फायदा लिया है। इसको आप देखें, कमेंट बॉक्स में डालें, और कोई नई बात अगर आपको मिलती है वह भी आप इसमें डालें, ताकि लोगों तक जानकारी का आदान प्रदान हो और जिज्ञासाएं शांत हों। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं विसरणं गच्छामि।
बिरमनी सिखा पदिंस माध्यामी कामेश मिच्छर बिरमनी सिखा पदिंस माध्यामी कामेश मिच्छर बिरमनी